बहुत लोग थंबनेल एंड टाइटल देख के आए होंगे निंजा 300 का डाउन पेमेंट वगैरह, तो आज हम लोग बोलेंगे कि कावासाकी निंजा 300 का डाउन पेमेंट कितना है एंड कितना मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट में निकल सकता है वो वाला बाइक, मतलब वॉक अराउंड पे। तो इसका फ्रंट लुक देख सकते हो कुछ ऐसा टाइप का है, इसका कंसोल भी दिखा देते हैं आप लोगों को, तो कंसोल चेकआउट करो। तो इसका अगर आप 30% करेंगे तो आपको मिनिमम डाउन पेमेंट पड़ेगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड एंड स्वागत है आपका और एक नए एपिसोड पे। तो पिछला दो व्लॉग हम लोगों ने क्लियर कर ही दिया, एक था Z900 का एंड एक था ZX10R का जो कि सुपर बाइक का था। एंड आज हम लोग थोड़ा छोटा सीसी में मतलब व्लॉग बनाएंगे कावासाकी का शोरूम का। एंड आज का व्लॉग बहुत ही मतलब बहुत लो बजट का होने वाला है, जो जो लो बजट का मतलब सुपर बाइक्स का लुक्स वगैरह चाहते हैं तो आज वो उन लोगों के लिए व्लॉग है। तो गाइस, बहुत लोग थंबनेल एंड टाइटल देख के आए होंगे निंजा 300 का डाउन पेमेंट वगैरह, तो आज हम लोग बोलेंगे कि कावासाकी निंजा 300 का डाउन पेमेंट कितना है एंड कितना मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट में निकल सकता है वो वाला बाइक। एंड अभी फिलहाल हम लोग है कावासाकी जोराबाट शोरूम, यहाँ पे है कावासाकी जोराबाट शोरूम जो कि लोकेटेड है आपका जोराबाट एरिया में। एंड इसका लोकेशन, प्रॉपर लोकेशन मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में, तो चेकआउट कर लेना। तो अभी चलते हैं अंदर एंड दिखाते हैं आपको। वैसे तो निंजा 300 का डिमांड बहुत ही ज़्यादा है हमारे इंडिया में, तो असम एंड मेघालय जो है वो बीच में पड़ता है जोराबाट का, तो हम लोग क्या करेंगे असम का भी प्राइस बोल देंगे। एंड जो लोग शिलोंग से देख रहे हैं, मेघालय से देख रहे हैं, वो लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा बिकॉज वो लोग का भी प्राइस लिस्ट हम लोग बोल देंगे क्या है कितना नहीं। तो गाइस शिलोंग से भी अगर आप देख रहे हो तो आपके लिए भाई ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन होने वाला है। तो गाइस चलते हैं अंदर, पहले सिनेमेटिक्स लुक दिखाते हैं कि कैसा उसका कलर थीम है, देन उसके बाद हम लोग स्पेसिफिकेशन का बात करेंगे एंड उसके बाद लास्ट में हम लोग बोलेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा एंड कितना मिनिमम डाउन पेमेंट पड़ेगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस ये रहा कावासाकी का शोरूम एंड अभी फिलहाल चलेंगे अंदर एंड यहाँ पे बाइक्स वगैरह देख सकते हो, फुल्ली लोडेड बाइक्स वगैरह है एंड इसका लोकेशन मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, तो चलते हैं अंदर एंड दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग कावासाकी जोराबाट शोरूम के अंदर है एंड मैं एक शख्स से मिला देता हूँ, तो यहाँ पे सूरज भैया। हेलो भैया। हेलो, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, बस आप कैसे? बढ़िया। एंड सूरज भैया हम लोगों का बहुत ही हेल्प किया है जो कि फाइनेंस डिटेल्स निकालने में। सूरज भैया भी मतलब बोलेंगे कि क्या है क्या नहीं। मतलब सूरज भैया ये ओपनिंग कब हुआ था? ये हमारा वुमेन्स बैग, मतलब ओपनिंग आपका जस्ट रिसेंटली हुआ है। हाँ हाँ, बट द थिंग इज दैट आपका ये आपका जो है ऑपरेशन आपका 3 महीने पहले हुआ। 3 महीने पहले हुआ था। एंड सूरज भैया हमारे बहुत हेल्प किए हैं फाइनेंस डिटेल निकालने में। एंड अभी फिलहाल हम लोग चेकआउट करवाएंगे आप लोगों को कि क्या क्या स्टॉक्स अभी फिलहाल अवेलेबल है। तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे कावासाकी ZX10R, यहाँ पे है वर्सेस कावासाकी जो कि एडवेंचर मॉडल है कावासाकी का जो कि न्यूली लॉन्च हुआ है, यहाँ पे है ZX10R, यहाँ पे है ZX10R, यहाँ पे है Z900, यहाँ पे भी Z900, यहाँ पे है निंजा 500 जो कि नया लॉन्च हुआ है एंड यहाँ पे भी वही है स्टॉक। अभी फिलहाल स्टॉक्स भरती है, स्टॉक्स का कमी नहीं है, फुल लोडेड स्टॉक्स है यहाँ पे। एंड यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो एलिमिनेटर, यहाँ पे मिल जाएगा ZX10R ये वाला ग्रीन कलर में जो कि बहुत लोगों का पसंद है, यहाँ पे है निंजा 300, यहाँ पे है निंजा 300 एंड यहाँ पे है निंजा 300। तो स्टॉक्स आपको पूरा भरपूर मिलेगा, यहाँ पे स्टॉक्स अवेलेबल है। तो ऑलराइट गाइस, निंजा 300 का सिनेमेटिक्स लुक जो था वो आप लोगों ने चेकआउट कर ही लिया एंड अभी फिलहाल इसका ऑल ओवर लुक दिखा देते हैं, मतलब वॉक अराउंड पे। तो इसका फ्रंट लुक देख सकते हो कुछ ऐसा टाइप का है, साइड लुक देख सकते हो एंड बैक साइड से लुक दिखा देते हैं। तो अभी फिलहाल स्टॉक्स अवेलेबल है निंजा 300 का एंड इसका कंसोल भी दिखा देते हैं आप लोगों को,
कंसोल चेकआउट करो। एंड बहुत लोग वेट कर रहे थे कि इसका ऑन रोड प्राइस कहाँ गया, तो ऑन रोड प्राइस भी बोलूंगा आप लोगों को, मतलब दोनों स्टेट का बोलूंगा, एक है असम स्टेट एंड एक है मेघालय स्टेट। तो अगर आप मेघालय स्टेट से देख रहे हो लेना चाहते हो तो भी आपको पता चल जाएगा ऑन रोड प्राइस, एंड अगर आप असम से देख रहे हो तो भी आपको पता चल जाएगा ऑन रोड प्राइस। तो दोनों प्राइस अलग अलग है एंड प्राइस डिफरेंस भी पता चल जाएगा आप लोगों को। तो निंजा 300 का पहले असम वाला प्राइस बोलते हैं, मतलब अगर आप गुवाहाटी या फिर आसाम से लेना चाहते हो तो आपको कितना ऑन रोड प्राइस पड़ेगा, तो वो आपको पड़ेगा 4,13,500। स्क्रीन पे आ रहा होगा, चेकआउट कर लेना। तो 4,13,500 आपको ऑन रोड प्राइस देना पड़ेगा अगर आप निंजा 300 लेना चाहते हो आसाम स्टेट से। एंड अभी फिलहाल बोलेंगे मेघालय स्टेट से, अगर आप मेघालय से लेना चाहते हो निंजा 300 तो आपको ऑन रोड प्राइस पड़ेगा 3,88,000। तो 3,88,000 आपको पड़ेगा मेघालय स्टेट से। यहाँ पे चेकआउट करो, स्क्रीनशॉट ले लेना ये वाला। तो ये दोनों प्राइस मैंने बोल दिया, असम स्टेट एंड मेघालय स्टेट का। एंड अभी मेन मुद्दे पे आते हैं जो कि डाउन पेमेंट है। तो बहुत लोगों का डाउट रहता है कि डाउन पेमेंट कितना दे के निकल सकता है मिनिमम से मिनिमम, तो मैं ये बोल देता हूँ। तो डीपी जो भी है, आप जो भी बाइक लो, आपको 30% मिनिमम डीपी देना पड़ता है। तो इसका अगर आप 30% करेंगे तो आपको मिनिमम डाउन पेमेंट पड़ेगा 1,24,050 rupees ओनली। तो स्क्रीन पर आ रहा होगा एंड यहाँ पे भी देख सकते हो 1,24,050 rupees ओनली। तो ये था डीपी, अगर आप मेघालय साइड से लो या फिर आप असम साइड से लो तो आपको इतना मिनिमम डाउन पेमेंट देना ही पड़ेगा। एंड अभी फिलहाल बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो उससे पहले हम लोग बुकिंग अमाउंट का प्राइस बोल देते हैं, बिकॉज अगर आप बुक वगैरह करना चाहते हो कोई बाइक्स वगैरह, तो कोई भी बाइक्स अगर आप बुक करना चाहते हो तो इनका मिनिमम बुकिंग अमाउंट है वो है 20,000। तो 20,000 दे के आप कोई भी बाइक बुक कर सकते हो एडवांस पे, एंड वो बाइक आपका बुक हो जाएगा। एंड डॉक्यूमेंट्स की बात करें अभी फिलहाल, तो डॉक्यूमेंट्स मिनिमम डॉक्यूमेंट्स पहले जो मैंडेटरी है वो लगेगा आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। तो ये दो मतलब डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। एंड अगर आप फाइनेंस में लेना चाहते हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो ITR, तो अगर आप फाइनेंस में लेना चाहते हो तो यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो। ITR फाइल, जॉब डूइंग एम्प्लॉय होना पड़ेगा, 6 मंथ सैलरी स्लिप, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट लगेगा आपको। एंड और भी डिटेल्स है यहाँ पे चेकआउट करो। ये ZX10R या फिर Genesis, मतलब जो जो सुपर बाइक है उनका है, एंड इसका शायद मिनिमम ये होगा। एंड अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, एंड एक नंबर दे दूंगा आपको, अगर डाउट है तो वहाँ पे कॉल करके आप पूछ सकते हो जो भी फाइनेंस के रिलेटेड डिटेल्स है। मैंने सारा कवर कर ही दिया, ऑन रोड प्राइस, मिनिमम डाउन पेमेंट। एंड अगर आपको कुछ भी और पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो, जो मैंने नंबर दे दिया डिस्क्रिप्शन लिंक में। तो ब्लॉग को इतना रखते हैं, इसका नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा वो निंजा 500 का आएगा। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो आई होप यू लाइक द ब्लॉग, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, एंड ऑलवेज टीम एंड प्लान। बाय।